हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ज़िंदगी समाप्त तो होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में हमारी ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन दोस्तों उनके पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी की ज़िंदगी का सबसे कठिन समय शुरू होने वाला है। यह समय आपको सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रहण की जो स्थितियाँ बन रही हैं और लाभ के बहुत बड़े बड़े अवसर भी छुपे हुए हैं, परंतु आप सभी को बता दें कि एक ऐसी स्त्री है जो आपको यह समय अपने जाल में फंसाकर आपके जीवन को बिल्कुल ही पूरी तरह से तबाह करने के लिए तुली हुई हैं। यह आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहती हैं और पिछले कई सालों से आपके ऊपर जादू टोना, तांत्रिक क्रिया और बहुत सारे कार्य कर रही हैं, जिनसे कि आप अभी भी परेशान हैं, परेशानी में डूबे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इनका पर्दाफाश करने का। बस आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब आप इस औरत के वश में आ चुके हैं। अब आप यहाँ से समझ जाइए। और वश में आना क्या होता है, इसका मतलब भी यह नहीं है कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। इसका मतलब यह है कि बस आप जो फैसला लेंगे वो गलत साबित होंगे, और यूं कहूँ कि आप हमेशा गलत फैसले ही चुनेंगे और हमेशा परेशानी में ही भटकते रहेंगे। यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। तब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वो भगवान की देन है, या आपकी किस्मत ही खराब है, या फिर स्थिति जो है वो बहुत ही अभी आपके बस में नहीं है, भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा। ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा दोस्तों, लेकिन आप खुशियों का एक पल भी महसूस कर नहीं पाएंगे। यह स्थितियां सुनने में जितना भी अनुभव हो रहा है आपको, उससे कई गुना ज़्यादा अनुभव मुझे हो रही है जब मैं ये वीडियो आपको बताने में कर रहा हूँ। असलियत में उससे कई ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इसमें यह होता यह है कि जातक को कभी भी असल स्थिति का एहसास नहीं हो पाता और उसे उस स्थितियों से बाहर निकलने की जातक कोशिश भी नहीं कर पाता। एक जाल में हमेशा के लिए फंस चुका होता है। कई लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है, वो हमेशा यह कहते रहते हैं कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, जीवन तो नर्क के समान है, जीवन का एक पल भी खुशियों से भरा हुआ कभी नहीं देखा। लेकिन जातकों से अच्छी तरह से बैठकर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीज़ों की शुरुआत किसी न किसी पड़ाव पर हुई थी, और वह पड़ाव था उनकी तरक्की का, उनके उदार का। जब उन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा, तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीवन में परेशानियों का आगमन हुआ और फिर यह सिलसिला लगातार चलता चला गया और बर्बादी बढ़ती चली गई। और आज स्थितियां यह हो चुकी हैं कि वर्षों बीत चुके हैं और यह पूरा जीवन ही बीत चुका है, लेकिन सुख का एक भी पल देखने को नहीं मिला। इस भयानक स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको हम वह संकेत बताएंगे और उन संकेतों के जरिए स्पष्ट तौर पर यह आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं, आपका बंधन हो चुका है, या आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, एक ऐसी क्रिया जिसको करने से आपको कुछ ही समय में उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे। जब आप उस बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप अपने जीवन में चमत्कार का एहसास करोगे। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलता जा रहा है। आपके देखते ही देखते सारी स्थितियाँ सम हो जाएगी, जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन फूलों की बगियों के समान महकने लगेगा। वैसे में कुछ ऐसे भी अधर्मी लोग होते हैं
जिन्हें किसी बात पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत ना ही। इस संसार में सारे सुख हैं, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य हैं, लेकिन कर्म ही न को यह भी प्राप्त नहीं हो पाता। और यहाँ पर हिंदी में बताता है कि एक बार जरूर आपको अपने मन में उसे बात को लेकर चर्चा कर लेनी चाहिए, एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो ज़रूरी कहीं ना कहीं उसके विचार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी तर्क वितर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यदि संकेत आपको समझ में आए, दिखाई दे, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय की क्रिया को आजमा ले सकते हैं। दोस्तों, क्रिया करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, बस आपकी मेहनत लगेगी, और यदि आपका बंधन किया गया है किसी प्रकार का तो वह भी कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आप जो भी यह क्रिया है इससे मुक्त हो जाएंगे, हम इस बात का आपको कहते हैं। तो बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हर एक बात को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही कष्ट चल रहा है, कष्टप्रद जीवन चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और इस विषय में गहरा शोध कर सकें, अध्ययन कर सकें और आपको फिर से वीडियो बनाकर बता सकें, और आप अपने जीवन में इसे उतारने की प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय माँ नव दुर्गा अवश्य लिखें, जय माता दी अवश्य लिखें। माता के प्रेम और आशीर्वाद की कृपा और उनकी कृपा से किसी भी जीव जंतु को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। बस माँ पर हमें सच्चे मन से विश्वास करनी चाहिए, माँ है तो वह हमें हमारी रक्षा जरूर करेंगी। इसलिए सच्चे मन से आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखनी है, नव दुर्गा माँ जरूर लिखनी है। चलिए, एक बच्चे की तरह होते हैं हम लोग जो कि रोते हुए अपनी माँ को पुकारते हैं और भीख मांगते हैं, ऐसे में बस हमें माँ भद्रकाली ही रक्षा करती हैं। तो बस आपको जय माँ भद्रकाली रक्षा करो लिख देना है, निश्चित तौर पर माता आपके ऊपर कृपा करेंगी और अपना आशीर्वाद आपको देंगी, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, जिससे आप हमारे चैनल के परिवार का सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बातें यूं ही हम नहीं कह रहे हैं, इन बातों के साथ बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि के पूरे चक्र में एकमात्र सी ऐसी राशि है जिसे लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ऐसा देखा गया है, चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जहाँ तक कि किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम यानी हो यदि अधिक हो, फिर भी लोग इससे जलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं, आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, गिरना पसंद नहीं करते हैं, मदद की भीख भी नहीं मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप हमेशा नाप तौल कर व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान
ही लोगों के साथ, अपने सम्मान से ही लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आज आप भले ही परेशानी से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समझ में नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समझ में एक ऊंचा कद, रुपए पैसा, मान सम्मान कमा लेंगे। इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, हरी आप सबके सामने मदद की भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल, तौर तरीके, बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और आप कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में यही होता है। जहाँ तक आपके पास थोड़ी सी धन दौलत, कामयाबी आ जाए, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है, फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं पाते हैं, उनके सीने पर सांप लौटने लगता है और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसे जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है, आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का कई बार लोग प्रयास करते हैं, और जब आप कामयाब हो जाते हैं इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं। क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप स्वभाव से भले ही भोले भाले होते हैं, आप लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उन्हें अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर सुख दुख में उन्हें शामिल करने लगते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपकी कमज़ोरी पर हमला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिला कर देखिए, एक बार अपने चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है या नहीं। दोस्तों, हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है, हर एक बात सच और सत्य है। आप उन कार्य पर करना चाहिए, पहले ही आपको हमें अपनों से धोखा प्राप्त होता है। दोस्तों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा, आज नहीं तो कल आपके साथ जालसाजी होगी, धोखेबाजी होगी। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद, घर बाद प्राप्त होती है। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई यह है कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं, आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते, आप किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं। आपके अंदर से डर भी महसूस होता है आपको, इसको लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है, और आप हर एक को हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आपको इससे भी डर लगता है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं लोग आपको धोखा देना शुरू कर देंगे। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल है, मुलायम है, लेकिन खोलनी अभाव इसके ठीक विपरीत हैं, कठोर और सख्त हैं। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाज़ा लगा देते हैं, गलत अंदाज़ा लगा देते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ वह सच है या नहीं, कमेंट में बताइएगा, और हमारे हौसला को थोड़ा सा बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको बता दें कि लोग गलत अंदाज़ा लगा देते हैं, जैसे अंदर से नहीं हैं लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। आप इस बात का प्रमाण यहाँ से देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था रखते हैं लेकिन आप दिखावा नहीं करते हैं, नौटंकी नाटक नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और ज़िद्दी और कठोर स्वभाव का समझ लेते हैं। दोस्तों, यह तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में, यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह बातें सच है कि नहीं।
अब ध्यान से सुनिएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, आपके बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपके धनलक्ष्मी का बंधन किया गया है, इन सब का क्या संकेत होते हैं, यह ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। दोस्तों, चाहे वह घर हो या बाहर होगा, आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भाई लगा रहेगा, कुछ अनहोनी होने की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, और नींद टूटने का अक्सर समय 11 से 1 के बीच होगा। जिन दोस्तों को इनका इस पितरों का समय भी कहते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आप पर किया गया है, आपकी नींद अगर 11 से 1 के बीच अक्सर टूट जाती है, तो आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप यह अगर संकेत मिले अपने जीवन में किया गया हो, नहीं तो दूसरा संकेत यह है कि आप अपने जीवन में कामकाज से रुचि कम होने लगी हो। जहाँ दोस्तों, चाहे आप व्यापार करते हों, चाहे आप नौकरी करते हों, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब खराब लगने लगा, बेकार लगने लगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के कामों में अरुचि हो गई हो, उसे अरुचि आपकी रुचि समाप्त तो हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही हैं, काम धंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्थल पर आ रही हैं। उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करती थी, अब उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक पुराना बहुत पुख्ता आप पर आपके व्यापार और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। शासन के दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो आपको खुशी का कभी एहसास ही नहीं हो पाएगा। माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, ख़ास तौर से तब जब घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की एनर्जी, घर का ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा, लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगेंगे, प्रेमपूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब में सबसे कहीं बड़ी बात होती है कि आपके स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपका जो रिलीज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, जैसे कि कोई भजन सा लग रहा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आपको अक्सर भूल जाया करने का आदत होगा। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिएगा कि आपकी बुद्धि का तो होगा, यह पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उस की क्रोध होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदलने लगेगा। यहाँ पहले आप जिन लोगों की संगत बहुत पसंद किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि जब आप नकारात्मक की ओर तरफ जाएंगे, तो सकारात्मक लोगों, सकारात्मक चीज़ों और बातों से आपको क्रीड़ा होने लगेगी, क्रोध होने लगेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा शुद्ध बुद्ध को ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आप कर्तव्य मूड हम स्थिति में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, अगर यह सब संकेत आपको मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। अब दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे। अगर यह सब हो रहा है तो आप अगली वीडियो को देखिएगा, मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस सब क्रियाओं से आप मुक्त हो सकते हैं, कैसे जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की समस्त परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके वीडियो के पार्ट 2 आने का इंतज़ार करिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ भद्रकाली, जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।